भाजपा के पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले में सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 11 महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर ममता पांडे ने महिलाओं को अवार्ड देने के साथ भगवा पट्टिका व राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के उपरांत हुई। महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर ममता पांडे ने कहा, महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार से लेकर समाज व देश का विकास नहीं हो सकता। काल से महिलाएं मानव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। कोविड के दौरान महिला डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा जीवन की परवाह न करते हुए मरीजों को अपनी सेवाएं दी। टीकाकरण अभियान की सफलता में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का। समाज में विशिष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को आज सम्मानित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने योजनाओं की श्रृंखलाएं प्रदान की। मिशन शक्ति की जमीनी स्तर पर सफलता इसका प्रमुख कारण है। समाज में विशिष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को आज सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से पूरे देश में सुषमा स्वराज अवार्ड कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वैसे तो ये कार्यक्रम 19 तारीख को था, लेकिन 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या में कार्यक्रम था, इस कारण ये कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। और सुषमा जी के नाम पर जिले की 10 महिलाओं को आज चयन किया गया है, जो कि समाज के लिए या फिर अपने कार्यों से या फिर या प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े होने के नाते या किन्हीं भी चीज़ों से इस तरीके से जुड़ी हुई हैं जिससे वो देश और समाज के लिए कुछ काम कर रही हैं, ऐसी बहनों को चुन के हम लोगों ने उनको सम्मानित करने का काम किया। संदेश से ज़्यादा हम सब लोग उन महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं जो कि अपने घर परिवार में कुछ समस्याओं के बावजूद भी या अपनी परिवार में हो सकता है कि आर्थिक कमजोरी हो या किसी अन्य कारण के बावजूद जो देश और समाज के लिए कुछ करने की क्षमता रखती हैं, कुछ करने की ललक रखती हैं, उनको सम्मानित करने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का था। इसका श्रेय आप सरकार को भी दे सकते हैं, महिलाओं के अंदर जो शिक्षा जागृत हो रही है उनको दे सकते हैं, वो शिक्षित हो रही हैं, उनको अपने कर्तव्यों की जानकारी, अपने दायित्वों का की समझ बढ़ रही है और वो समाज के लिए पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहती हैं। इसका ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।